रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप के आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू शेफ सारा कुक हाउस। आज मैं अपने किचन में जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल आई थिंक के सबको ही बहुत पसंद होंगे और आज मैं अपनी गुड़ वाले चावल की जो रेसिपी है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उनमें जो इंग्रेडिएंट्स आपको ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताऊं। 750 ग्राम्स जो है वो मैंने राइस लिए हैं, इसके अलावा 1 कप दूध है हमारे पास, थोड़े से बादाम है, ग्रीन कार्डमम यानी कि सब्ज़ इलायची है, कोकोनट है हमारे पास, खोपरा है, किशमिश है, थोड़ी सी सौंफ है, ऑयल है, और इसके अलावा जो हमें मेन चीज़ चाहिए होगी वो होगा गुड़। 1 किलो गुड़ है मेरे पास और 1 किलो गुड़ में जो है मैंने उसके अंदर 2 गिलास पानी डाल के उसे पहले से सोक करने रख दिया ताकि जो हमारा गुड़ है वो अच्छे तरीके से अच्छी तरह से पिघल जाए। तो अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया, अब हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, ये देखें मैंने फ्लेम जो है वो अपना ऑन कर दिया और जो गुड़ था मैंने उसे पिघला रही हूँ मैं। ये देखें गुड़ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है। तो आपने इसमें क्या करना है, क्योंकि हमने इसे स्टेन करना है, छानना है, तो आपने इसे थोड़ी सी सौंफ ऐड करनी है, 1 टेबल स्पून। और ये 3 जो है ग्रीन कार्डमम हमने इसमें यानी कि सब्ज़ इलायची आपने ऐड करनी है और इसको हमने थोड़ी देर के लिए मैक्सिमम 10 मिनट के लिए आपने इसे पकने देना है ताकि ये जो इसका शीरा है गुड़ का वो अच्छी तरह से पक जाए और जो सौंफ का भी जो टेस्ट होगा वो भी इसमें से निकल आए। उसके बाद हम इसे जब ये पक जाएगा उसके बाद हम इसे छान लेंगे, क्योंकि गुड़ के नीचे अक्सर रेत होती है तो वो हम थोड़ा सा छोड़ देंगे, बाकी जो हमारा ऊपर इसका शीरा होगा वो हम छन्नी के साथ छान लेंगे और इसके छानने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फिर वो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखें हमारा जो शीरा है वो बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ये जो हमारा शीरा है यानी कि गुड़ का हम इसको स्टेन कर लेते हैं। गाइस, अब आपने ऐसा करना है कि हमने शीरा जो है वो छान लिया है तो आपने पानी लेना है और जो हमारे राइस है हमने उनको बॉईल करना है, तो आपने इसमें ना 2 से 3 लौंगे डालनी है और पिंच जो है वो आपका येलो कलर डालेगा। ये देखिए जस्ट मैंने पिंच डाला है, आपने ये येलो कलर ऐड कर देना है और आपने 2 कनी के जो राइस है ना वो बॉईल करना है, यानी कि जब 2 कनी रह जाएगी तो तब आपके जो राइस हैं वो आपने छान लेना। लेकिन हल्का सा मैंने पिंच येलो कलर ऐड किया है, बड़ा अच्छा गुड़ वाले चावलों का जो कलर आएगा ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने सेम इसी तरह जो है ये छान लेना है, जो ये दार उसका ग्रीन इलायची के तो या एक छिलका वगैरह। अब इसमें मैंने 3 क्लॉव डाले हुए हैं और अभी इसे हम जो जब हमारे राइस बॉयल हो जाएंगे तो हम इसको स्टेन कर लेंगे और फिर हम इसे अपने शीरे में पकाएंगे। गाइस, ये देखें ये मैंने चावल जो हैं वो अपने राइस उनको स्टेन करके छान लिया है, इसमें से अपने पानी जो है वो बिल्कुल खुशक कर लेना और ये देखें ये लाइट लाइट सा येलो कलर आ रहा होगा। तो अब हम इसे पैन में पकाते हैं शीरे में। अब हम एक पैन ले लेंगे कढ़ाई, उसमें आपने 1/2 कप ऑयल डालना है और ये ग्रीन कार्डमम यानी कि इलायची दाना डाल देना है। इलायची डाला डालने के बाद आपने ये जो हमारे पास कोकोनट है इसमें इसको पहले आपने अच्छा से वॉश कर लेना है फिर आपने इसमें डालना है। इसको जस्ट आपने हल्का सा सौते करना है
और जो बादाम है उनके छिलके उतार लेने। अब हम मैं इसमें शीरा ऐड करूंगी। नीचे का थोड़ा सा आपने रहने देना ताकि इसमें अगर कोई चीज़ हो तो वो ना आए। और ये मैंने देखें एक कप इसमें मिल्क ऐड कर दिया। थोड़ी सी सौंफ है जो मैंने के सौंफ कर दी थी ताकि इसमें भी कोई रेत वगैरह हो तो वो भी निकल जाए। इसको जस्ट हम थोड़ा सा बॉईल देंगे और उसके बाद जो हमारे बॉईल राइस हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इसको थोड़ा सा चला लेंगे ताकि जो हमारा शीरा है, शीरा और दूध को ज़रा आपने थोड़ा सा पकाना है, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए बस पका लेगा। तो जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा तो हम अपना जो राइस है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें ये हमारा जो शीरा है जिसमें मैंने आपको बताया था भी मैंने दूध वगैरह भी अच्छा सा मिक्स कर दिया। अब आपने इसको ना लिड लगा के मैक्सिमम जो है वो 5 मिनट का टाइम देना है ताकि 5 मिनट ये अच्छा सा पक जाए और इसके बाद फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। गाइस हमारा जो शीरा है वो बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया है और अब हम इसमें राइस डालते हैं। मैंने शीरे के अंदर जो है ये राइस डाल दिए हैं। जब आपने इस पर ना लिड लगा देनी है, लिड लगा के हम इसे दम पे छोड़ देंगे ताकि जो हमारे गुड़ वाले चावल हैं वो अच्छे से स्टीम पे आ जाए। गाइस ये देखिए अब मैंने इसे स्टीम पे छोड़ दिया दम पे। अब ये दम पे और मैक्सिमम आपने जो है ना इसको 15 मिनट के लिए इसी तरह दम पे रख देना है। नीचे तवा रखिएगा और उसके ऊपर अपना पैन रख के जो भी आपने आलमंड कोकोनट वगैरह इस पर ऐड करना है मज़ीद तो वह ऊपर से गार्निशिंग के तौर पे कर सकते हैं। और इसको 15 मिनट्स के लिए आपने ऐसे ही दम पे छोड़ देना है और उसके बाद हम इसे अपनी जो प्रेजेंटेशन प्लेटर है हम उसमें इसे निकालेंगे। मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह अपनी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह ने के वान।